तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आईफोन्स, चाहे वो फ्लैगशिप आईफोन्स हो या वो बजट आईफोन्स हो, हमेशा से ही वन ऑफ द मोस्ट लीक्ड डिवाइसेस होते हैं और बहुत ही सारे लीक्स और रूमर्स हम लोगों को हर महीने ही एक्चुअली मिलते रहते हैं। आईफोन 13 सीरीज़ भी जो है कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लीक्स और रूमर्स है आईफोन 13 सीरीज़ से रिलेटेड, जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एप्पल का जो सितंबर इवेंट है वो बहुत जल्द होने वाला है और उस इवेंट में हमें एयरपॉड्स 3, एप्पल वॉच सीरीज 7 और साथ ही साथ आईफोन 13 सीरीज़ भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है, तो बहुत सारे लीक्स और रूमर्स है उसको हम एक साथ कंबाइन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, लेट्स गेट इनसाइड द वीडियो। तो दोस्तों, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये कहा जा रहा है कि आईफोन 12 सीरीज़ में जो बिल्ड क्वालिटी थी वो सेम बिल्ड क्वालिटी आपको आईफोन 13 सीरीज़ के सभी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगी। बेसिकली 4 मॉडल्स हैं यहाँ भी, तो सेम बिल्ड आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट और बैक में ग्लास देखने को मिलेगा, सिरामिक शील्ड जो फ्रंट में मिलता था मे बी इस साल आपको वही सिरामिक शील्ड बैक साइड में भी देखने को मिले। अदरवाइज द सेम बिल्ड विल बी देयर। और मैं कह सकता हूँ कि आईफोन 13 मिनी और रेगुलर आईफोन 13 में आपको एल्यूमिनियम के साइड्स देखने को मिलेंगे और आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में आपको जो है स्टेनलेस स्टील के साइड्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बटन्स का जो प्लेसमेंट है वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा, सिम ट्रे का जो प्लेसमेंट है वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा और मे बी जो मिलीमीटर वेव वाला बैंड होता है जो इन चारों फोन्स में पाया गया है US या UK के मॉडल्स वगैरह में, वो इस साल ग्लोबली सभी मॉडल्स में पाए जाएंगे वो बैंड्स, और उनका प्लेसमेंट भी जो है सेम देखने को मिलेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी जो है A1 या A+ क्वालिटी की होने वाली है, जिस तरह आईफोन 12 सीरीज़ की या किसी भी आईफोन्स की बिल्ड क्वालिटी होती है, आईफोन 13 सीरीज़ की भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड होने वाली है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन साइजेस ऑफ दिस मॉडल्स, हम लोग जानते हैं कि 4 स्क्रीन साइजेस होंगे, जैसे कि आईफोन 12 सीरीज़ में थे 5.4 इंचेस का आईफोन 13 मिनी, 6.1 इंचेस का रेगुलर आईफोन 13, 6.1 इंचेस का ही आईफोन 13 प्रो और 6.7 इंचेस का मैसिव आईफोन 13 प्रो मैक्स। साथ ही साथ डिस्प्ले में क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है, एप्पल जो है खुद से एक फैंसी टर्म यूज़ करेगा, सुपर रेटिना HDR अल्ट्रा या वगैरह वगैरह, ये यूज़ करके वो सोचेगा कि मैं अपने कस्टमर्स को बताऊं या कंज्यूमर्स को बताऊं कि हमारा डिस्प्ले कितना अच्छा है। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि आईफोन्स के डिस्प्ले काफ़ी अच्छे होते हैं। इम्प्रूवमेंट ये है कि इस साल आईफोन 13 के मॉडल्स में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। मे बी ये रिफ्रेश रेट सिर्फ 13 प्रो या फिर 13 प्रो मैक्स में देखने को मिले और रेगुलर जो 13 और 13 मिनी है वो सिर्फ 60 हर्ट्ज तक या फिर 90 हर्ट्ज तक ही स्टिक रहे। बट ये कंफर्म है कि आपको किसी न किसी मॉडल में 120 हर्ट्ज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये सभी मॉडल्स जो है वो LTPO डिस्प्लेज यूज़ करने वाले हैं, जो कि सैमसंग बनाएगा। तो सैमसंग के डिस्प्ले काफ़ी आप जानते हैं कि हाई क्वालिटी के होते हैं, और साथ ही साथ LTPO डिस्प्ले होने का मतलब ये हुआ कि इन सभी मॉडल्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड कई सालों से इस फीचर को यूज़ करता आ रहा है, आईफोन्स अब इसे अडेप्ट करना चाहता है, और आप जानते हैं कि आईफोन्स जब अडेप्ट करता है वो तो बेहतर तरीके से या बेटर तरीके से करता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये बता दूं कि आईफोन 13 सीरीज़ के सभी मॉडल्स में जो नॉच का साइज़ है वो आपको स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों को ऐसा लगता था कि आईफोन 13 सीरीज़ में नॉच बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और एप्पल जो है कुछ अंडर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा फ्रंट फेसिंग कैमरा और डिफरेंट सेंसर्स के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मे बी उसके लिए आईफोन 14 या फिर आईफोन 15 का वेट हम लोगों को करना पड़े। लेकिन ये कन्फर्म न्यूज़ है कि आईफोन 13 सीरीज़ में आपको स्लाइटली डिक्रीज्ड नॉच देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ईयर पीस है उसको ऊपर वाले बेजल में फिट किया गया है, जिसके कारण से आपको ये नॉच का जो साइज़ है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। कैमराज आर ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द यूज़र्स और कंज्यूमर्स जब एक स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं। आईफोन्स के कैमराज हमेशा से ही हर साल इम्प्रूव्ड होते रहे हैं, लेकिन पिक्सल हमेशा से ही बाजी मार जाता है और कैमरा किंग कहलाता है। लेकिन आईफोन 12 सीरीज़ के साथ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि आईफोन 12 सीरीज़ के जो कैमरास थे वो पिक्सल डिवाइसेस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव थे। आईफोन 13 के कैमरास से भी हम सेम होप रख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो, और रूमर्स भी यही आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि एप्पल इस बार जो है अपने आईफोन्स में अपने मेगा पिक्सल काउंट को बढ़ाने वाला है, यानी 12 से डायरेक्ट
48 मेगापिक्सल के लेंसेज हमको देखने को मिलेंगे। खैर ये होगा कि नहीं ये तो हम लोग को पता चलेगा इवेंट में ही। खैर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि सभी लेंसेज बहुत ही हाईली इम्प्रूव्ड होंगे, तो नाइट मोड के शॉट्स हों या फिर पोर्ट्रेट मोड्स हों या फिर और अदर फीचर्स हों, सभी हमको काफ़ी हद तक सभी फीचर्स में हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जहाँ पे कैमराज क्वांटिटी की बात करें तो सेम आपको 13 मिनी और रेगुलर 13 में डुअल लेंसेज देखने को मिलेंगे, 13 प्रो और प्रो मैक्स में ट्रिपल लेंसेज देखने को मिलेंगे, जिसमें थर्ड लेंस ये कहा जा रहा है कि वो एक पेरिस्कोपिक लेंस होगा, यानी कि आप जब हाईली जूम करेंगे तो डिटेल्स वगैरह आपको मिस वगैरह बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि मेरे पास आईफोन 12 सीरीज़ का स्मार्टफोन है या आईफोन 13 सीरीज़ का स्मार्टफोन है? इसके लिए स्लाइटली चेंज किया गया है कैमरा ओरिएंटेशंस को। आईफोन 12 सीरीज़ में जिसमें डुअल कैमरास थे उसमें आपको स्ट्रेट देखने को मिलता था कैमरा अलाइनमेंट, लेकिन आईफोन 13 सीरीज़ में जिन स्मार्टफोन्स में डुअल कैमरास होंगे उसमें आपको कैमरा को ओरिएंटेशन जो है वो डायगनल देखने को मिलेगा। तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि आपके पास आईफोन 13 है या फिर आईफोन 12 है। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो उसमें हमेशा से ही आईफोन जो है किंग रहा है, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी। वैसे हमारे पास लीक्स और रूमर्स हैं ही कि इस बार पोर्ट्रेट वीडियो और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड होने वाले हैं, और मे बी आपको 4K एट 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, अदरवाइज 8K एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तक का भी ऑप्शन देखने को मिले। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो आईफोन 13 सीरीज़ के सभी स्मार्टफोन्स में आपको एप्पल की तरफ से आने वाला A15 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा, और साथ ही साथ आपको क्वालकॉम का X60 मॉडम भी देखने को मिलेगा फॉर इम्प्रूव्ड 5G कनेक्टिविटी। और साथ ही साथ ये बता दूं कि इस बार जो मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबली जो है अप्लाई हो रही है, यानी आईफोन्स में अगर आपकी कंट्रीज़ में मिलीमीटर वेव की 5G टेक्नोलॉजी पाई जाने वाली है या ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप वहां पे इन आईफोन 13 सीरीज़ का यूज़ इजीली कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग रूमर्स के बारे में अगर बात करो दोस्तों तो ये कहा जा रहा है कि एप्पल जो है एक खास तरह के फेस आईडी टेक पे काम कर रहा है, जिससे जो है आप मास्क पहने हुए हैं या फिर ग्लासेस पहने हुए हैं या दोनों पहने हुए हैं तब भी जो है आप अपने स्मार्टफोन को जो है इजीली अनलॉक कर सकते हैं। ये ज़्यादातर पैंडेमिक का एनवायरनमेंट है, आप लोग जानते हैं लोग बाहर निकल रहे हैं मास्क के साथ, और बहुत सारे आईफोन यूज़र्स की ये बहुत बड़ी कंप्लेंट है, जब हम मास्क पहन रहे हैं अपने फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं तो फेस अनलॉक नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोगों को अपना पासवर्ड बार बार टाइप करके अपने फ़ोन को अनलॉक करना पड़ता था। तो एप्पल इसी के लिए इस टेक पे काम कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है आईफोन 13 सीरीज़ के साथ ही आपको डेब्यू होते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये बता दूं कि द आईफोन 13 सीरीज स्मार्टफोन्स आर सपोज टू कम विद द लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि LEO सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा, ये कहा जा रहा है कि अगर आईफोन 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स किसी एरिया में है जहां पे सेलुलर नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, फिर भी जो है आप इमरजेंसी कॉल्स या आई मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं इसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के हेल्प से, जिसके बारे में मैंने आपको कहा। तो ये दो फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आईफोन 13 सीरीज़ के साथ जो है आने वाले हैं। बैटरी साइज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जहां आप इम्प्रूव 5G टेक्नोलॉजी या इम्प्रूव 5G बैंड्स दे रहे हैं किसी स्मार्टफोन में, साथ ही साथ आप हाई रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का सपोर्ट भी दे रहे हैं और आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो ये जनरल बात है कि वहाँ पे बैटरी ड्रेन बहुत तेज़ी से होगी, और यही रीज़न है कि आईफोन 13 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स में जो है आपको बड़ी बैटरीज देखने को मिलेगी। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आईफोन 13 मिनी में आपको इस साल 2406 mAh की बैटरी, आईफोन 13 और 13 प्रो मैक्स में 3095 mAh की बैटरी, और आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको 4320 mAh की बैटरीज देखने को मिलेंगी। प्राइसेस की अगर बात करूँ दोस्तों तो आईफोन्स हमेशा से ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं और प्रीमियम स्मार्टफोन्स में हमेशा से ही उनकी गिनती होती है। आईफोन 13 सीरीज़ जो है आईफोन 12 सीरीज़ के कंपैरिजन में जो है और भी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस्ड होने वाले हैं, और उसका रीज़न ये है कि एप्पल का जो मेन चिप मेकर कंपनी है TSMC, उसने सब 7 नैनोमीटर
चिप्स के प्रोसेसिंग पे 5% से 20% तक जो है प्राइस इंक्रीज किया है। और यही रीज़न है कि एप्पल को जो 5 नैनोमीटर वाला चिप है A15 बायोनिक चिप, जब वो TSMC से ख़रीदेगा तो उसको हायर प्राइस में ख़रीदना पड़ेगा। और इसी के कारण जो है आईफोन 13 सीरीज़ के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनकी प्राइसेस जो है आईफोन 12 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। US मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हर एक मॉडल में आपको 100 से 150 US डॉलर्स तक प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगी। और अगर इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो हर एक मॉडल में आपको 10 से 15,000 तक का प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा। लास्टली हम लोग रिलीज की बात कर लेते हैं, तो ये कंफर्म बताया जा रहा है कि सितंबर 14 को जो है सितंबर का जो इवेंट होता है एप्पल का, उसमें आपको ये आईफोन 13 सीरीज देखने को मिलेंगे। और सितंबर 17 से आप जो है इन मॉडल्स को प्री ऑर्डर कर सकते हैं और सितंबर 24 तक ये आप लोगों को डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो है एप्पल के सितंबर इवेंट से लेके, और आई होप के प्राइसेस जो है थोड़े बहुत कम हो जाए ताकि मैं भी एक आध जो है आईफोन जो है ले सकूँ इस साल। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो थम्स अप दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए और हमारी भी उसमें हेल्प हो जाए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।